हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वोटर आईडी कार्ड का जो नया पोर्टल जारी किया गया है उस पे हम नया वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई मारते हैं वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों हमने जो है ये NVSP का पोर्टल खोल लिया है जहाँ से हम वोटर आईडी कार्ड के अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक नया अपडेट आया हुआ है, जैसे यहाँ पे फॉर फॉर्म सबमिशन फॉर आसाम बिहार गोवा एंड उत्तराखंड, यानी ये चार स्टेट है आसाम बिहार गोवा और उत्तराखंड। अगर इन चारों स्टेट में से कहीं से भी आप हैं तो आपको वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ एक नया लिंक दिया गया है https://voters.eci.gov.in। सिंपली आपको इसी वेबसाइट पर जाना होगा। तो चलिए इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा वोटर आईडी कार्ड का जो है नया पोर्टल वो खुल जाएगा। तो चलिए जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो हमारा एक नए टैब में जो है वोटर आईडी कार्ड का ये नया वेबसाइट खुल गया है, खुल रहा है। इस नए वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। जैसे कि हमारा ये नया वेबसाइट खुल चुका हुआ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि साइनअप करना पड़ता है। तो साइनअप करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है साइनअप का, जब तो यहाँ रजिस्टर करने आपको जो है फर्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रजिस्टर किया है तो आपको यहाँ साइनअप वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप साइनअप वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और यहाँ पर आपको इस कैप्चा को डालकर सेंड OTP करेंगे। जैसे सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर जो है OTP जाएगा, वहाँ OTP को डाल के वेरीफाई करके जो है अपना ID पासवर्ड बना लेते हैं। ID पासवर्ड बनाने के बाद फिर से क्या करना है, आपको इसी पेज पर डायरेक्ट आएंगे, फिर से यहाँ आ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन दिख जाता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपको अपना ईमेल आईडी जो है या जो भी अपने मोबाइल नंबर से बनाया है, यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद नीचे में यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिखता है, सिंपली इस कैप्चा को सिंपली आपको भर देना है। हूबहू कैप्चा यहाँ से जैसे भर लेते हैं। कैप्चा भरने के बाद जो है क्या करना पड़ेगा, ये पहले कैप्चा को वेरीफाई करना पड़ता है। तो वेरीफाई के लिए यहाँ पे एक वेरीफाई का बटन दिया गया है, आपको इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ अगर वेरीफाइड लिख देता है तब उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये वेबसाइट लॉगिन होकर खुल जाएगा और यहाँ पर जिस नाम से आईडी बनाया होगा यहाँ पर आपका नाम शो कर जाएगा। इसके बाद किस तरह से अप्लाई करते हैं ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे कि कैसे, आप समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको दो इंटरफेस दिख रहा है, फॉर्म्स का और टैक एप्लीकेशन स्टेटस, और साइड में आएंगे तो यहाँ पर सारा डिटेल बताया गया है कि किस तरह के फॉर्म के लिए कौन सा फॉर्म भरना है। जैसे यहाँ पे फॉर्म 6 जो है रजिस्टर एज ए न्यू इलेक्टर, यानी हमें नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना था, फॉर्म 6 को भरना होगा। अगर रजिस्टर ओवरसीज यानी किसी भी वोटर आईडी कार्ड को जो है चेंज वगैरह करना है तो यहाँ 6A का है, 6B का, इस तरह का अलग अलग फॉर्म है। लेकिन अभी मैंने इस वीडियो में बताया है कि फॉर्म 6 यानी नया वोटर कार्ड अप्लाई करना सिखाऊंगा, तो इसके लिए हमको फॉर्म 6 भरना होगा। तो यहाँ फॉर्म्स वाले बटन पर यहाँ जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है फॉर्म सेव एज ड्राफ्ट है, फॉर्म 6 है, फॉर्म 6A है। अगर फॉर्म आपका सेव एज ड्राफ्ट है तो सिंपली आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फॉर्म होगा इसमें सेव किया हुआ, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। अगर आप सब सेव होगा तो नहीं सेव तो यहाँ पे आपका नहीं खुलेगा। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ अप्लाई करने का, तो इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से हम यहाँ होम बटन में आते हैं, यहाँ फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे। जैसे फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है फॉर्म 6 वाला ऑप्शन आता है, एक बार इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये फॉर्म 6 भरने का पेज आ गया है। इस फॉर्म को जो है आपको साथ वही डिक्लेरेशन यहाँ सेक्शन ए से शुरू और सेक्शन के पर ख़त्म यहाँ तक आपको सिलेक्ट करके जो है आपको इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। ये सारे डिटेल को आपको भरना पड़ेगा, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल है, रिलेटिव डिटेल, ये सारा डिटेल जो आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो आपको वीडियो में बने रहना है, मैं सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ से आपको जो सबसे पहले यहाँ आपका जो है ए सेक्शन में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और असेंबली सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर स्टेट वाले बॉक्स में से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं बिहार से हूँ तो यहाँ मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद जो है आपको अपना ज़िला यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ज़िला है तो वो ज़िला आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी कंस्टिट्यूएंसी पड़ता है यानी जो भी असेंबली पड़ता है आपको यहाँ से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये कुछ नहीं करना है, यहाँ ये काम नहीं करेगी, ऑप्शन काम नहीं करता, इसको छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं ए वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, बी वाला सेक्शन पे आ गया जिसमें आपको पर्सनल डिटेल डालना है। जिसने पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डालना है, जैसे यहाँ पर नाम डालेंगे फर्स्ट नेम डालेंगे या मिडिल नाम होगा, सो आपको इसमें डालना है फर्स्ट नेम। अगर आपका तीन गो नाम है, जैसे मान लीजिए रवि कुमार गुप्ता आपका नाम है तो रवि कुमार इसमें डालेंगे, गुप्ता इसमें डालेंगे। अगर दो शब्द का नाम है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो सिंपली फर्स्ट नेम को इसमें डालेंगे और लास्ट नेम में को आपको इसमें डालना है। तो चलिए मैं यहाँ से नाम डालता हूँ, जैसे जैसे मैं बताऊँगा दोस्तों आपको इसी तरह से करना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट नेम डाल देना है। चलिए लास्ट नेम, जैसे लास्ट नेम हम डाल लेते हैं, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालते हैं तो दोस्तों ऑटोमेटिक नीचे में आपका हिंदी में नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद नीचे में आपको फोटोग्राफ सेलेक्ट करना है जिसका साइज जो है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 MB के अंदर में ही फोटो का साइज होना चाहिए। चलिए यहाँ चूज फाइल पे हम क्लिक कर लेते हैं। चूज फाइल में क्लिक करने के बाद हम यहाँ से अपना फोटो जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद जो है आपका यहाँ फ़ोटो प्रीव्यू हो जाएगा। जूम कर लेंगे आपको फ़ोटो को, यहाँ जो क्रॉप वाला बटन दिखता है इसको अपने हिसाब से इसको फिट कर लेना, आपको फ़ोटो के फ्रेम इस उस फोटो के हिसाब से इस फ्रेम को सेट कर लेना है, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगता है इस हिसाब से सेट कर लेना है। चलिए मैं फिर से फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझसे डायरेक्टली कट चुका था तो चलिए यहाँ से मैंने इसको खोला, यहाँ से मैं अपने फ़ोटो को अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेव का बटन दिख जाता है, आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो सेक्शन बी भी खत्म हो चुका है। अब सी में आपका जो है रिलेटिव्स मांगा जाता है, तो आप अपने वोटर आईडी में आपके गार्जियन में किसको देना चाहते हैं, फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, जिसको भी आप देना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है इस बॉक्स में जो है 2KA में यहाँ से रिलेटिव सिलेक्ट करना है, या 2KB में जो उन आपके गार्जियन का जो है नाम डालना है अगर जो भी आपने सिलेक्ट किया है। तो चलिए हम यहाँ से जो है अपने गार्जियन का जो है क्या करते हैं नाम डाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप नाम डाल लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, आपको जैसे पहले बताया था। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप तीन सेक्शन खत्म हो चुके हैं, चौथा में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल खुला है डी वाला में। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर खुद का डालना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है मैं बताता हूँ आपको, सारा स्टेप जो है फॉलो करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर अगर आपका खुद का ईमेल आईडी है तो यहाँ पर सेल्फ करके यहाँ पर अपना ईमेल आईडी जो है आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे एक रिलेटिव मेंशन है, अगर आपके रिलेटिव में किसी का मोबाइल नंबर है तो यहाँ से आप रिलेटिव का भी, आपके गार्जियन का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं इसको टिक करके, या फिर इसको छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिखता है, इस पर आपको क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका 4 स्टेप पूरा हो जाता है। इसके बाद यहाँ आधार डिटेल है, आपको यहाँ पे आपको आधार का डिटेल डालना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ आधार नंबर को टिक करना पड़ेगा। आधार नंबर टिक करने के बाद सिंपली आपको जो है आपको अपना आधार नंबर जो है यहाँ से डालना पड़ेगा। चलिए आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिख जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ 5वां सेक्शन खत्म हो गया। अब 6ठा पे आ गया जेंडर पे, जिसमें आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ से एफ तक का सेक्शन खत्म हो चुका है। इसके बाद जी में है डेट ऑफ बर्थ का डिटेल, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको क्या करना है फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको ध्यान से भरना है देख के, जो भी आपके आधार कार्ड पर, यहाँ पर नहीं काम करता है टाइप करने पर सिंपली यहाँ कैलेंडर का बटन दिएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करते हैं, आपका यहाँ कैलेंडर खुल जाता है। कैलेंडर खुलने के बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है, पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको डेट ऑफ डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप भरते हैं तो आपका जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में क्या डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ जो भी आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में देना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी है आपके पास उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को उस फाइल को जो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये जो फाइल होना चाहिए पीडीएफ या जेपीईजी में होना चाहिए, लेकिन आपका ये फाइल का साइज जो होगा 2 MB के अंदर में होना चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा है तो उसको कैसे हम कंप्रेस करते हैं तो इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। पीडीएफ कंप्रेस करना, फाइल को छोटा करना कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ से फाइल अपलोड होने के बाद यहाँ फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल मांगा जाता है, प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका जो भी एड्रेस है सिंपली आप उस एड्रेस को यहाँ पे क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ से जो है क्या करता हूँ, एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस में सारा डिटेल भरना है आपको, वार्ड भरना है, जो भी पड़ता है, हाउस नंबर है, गली मोहल्ला जो भी आपको पड़ता है सारा डिटेल आपको सावधानी से भरना है। जैसे आप डालते हैं तो ध्यान से एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, इसके नीचे ऑटोमेटिक हिंदी हो जाता है। अगर हिंदी में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन दिया गया, इस कीबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके जो है यहाँ पे आप हिंदी सुधार सकते हैं। चलिए कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ से आप सुधार सकते हैं। चलिए यहाँ से मैंने इसको क्रॉस कर दिया। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको सावधानी से देखना है, भरना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है दोस्तों। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ लेकिन आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है तो ही आप जो है सीख पाएंगे। चलिए यहाँ से जैसे मेरा यहाँ पे जो है गड़बड़ हो गया था, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको टाइप कर लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल भर लिया है, इसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो भी आपके पास प्रूफ है यहाँ सब सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड हो, करेंट बैंक का पासबुक हो, या जो भी आपके पास इसमें डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर लेंगे, या बिजली बिल हो, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको चूज फाइल पर आना है, वही डॉक्यूमेंट को आपको जो है यहाँ पर एड्रेस प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। अपलोड करते ही जो है यहाँ पे आपको जो है ये अपलोडिंग लेगा। अपलोडिंग लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन जो है काम करना शुरू कर देगा, तो आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो भी डिजेबिलिटी है तो इसमें से सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो इस डिजेबिलिटी वाले बॉक्स को छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिखता है, सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो है फैमिली मेंबर मांगा जा रहा है, डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड, यहाँ पे ये डिटेल मांगा जा रहा है। अगर आपके फैमिली में किसी का वोटर आईडी कार्ड में नंबर नाम जुड़ा हुआ है तो उनका डिटेल यहाँ पे डालना है। जिनका डालते हैं तो वहाँ पे इसका रिलेशन दिख जाता है, फादर है, मदर है, वाइफ है, लीगल गार्जियन है, है ना। तो इसमें से जो भी आप अपने गार्जियन का देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे उनका जिनको आपको रिलेशनशिप सिलेक्ट करते हैं, या अगर मदर का सिलेक्ट करते हैं तो आपको मदर का नाम डालना पड़ेगा और यहाँ पे मदर का ईपीक नंबर डालना पड़ेगा। फादर को सिलेक्ट करते तो फादर का नाम डालकर और यहाँ पर फादर का ईपीक नंबर डालना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ से रिलेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। रिलेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है अपने रिलेटिव का जो है वोटर आईडी नंबर को क्या करते हैं डाल लेते हैं। वोटर आईडी नंबर डालने के बाद जो है यहाँ जहाँ देख रहे हैं यहाँ जो है बाय मिस्टेक गलत हो गया, यहाँ पे जो है रिलेटिव का नाम डालना है। तो चलिए मैं यहाँ से रिलेटिव का नाम डाल लेता हूँ। रिलेटिव का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको जो है वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालना है। तो ध्यान से सारा डिटेल फिल करेंगे, अगर आप एक भी गलत डिटेल करेंगे तो यहाँ पर आपको एरर शो कर जाता है। चलिए वोटर आईडी नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको जो है ये वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिखता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जो है के वाले में डिक्लेरेशन फॉर्म दिखा जा रहा है। यहाँ पे आपको जो भी विलेज टाउन पड़ता है उस विलेज टाउन को यहाँ पर आपको डाल देना है। चलिए यहाँ से मैं विलेज टाउन डाल लेता हूँ। इसके बाद आपका जो भी स्टेट है यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर देंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको प्लेस सेलेक्ट कर लेना है। तो जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उस प्लेस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। प्लेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑर्डिनरी लिविंग यानी आप इस जगह पे आप कितने दिनों से रह रहे हैं, तो सो आपको यहाँ से ईयर और डेट जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, जब से हम यहाँ पर है इस पते पर है उस पते को हम यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका कैप्चा वेरिफिकेशन आता है। तो यहाँ जो कैप्चा दिख रहे हैं उस कैप्चा को हूबहू आपको क्या करना है डाल देना है।
चलिए मैं यहाँ से कैप्चर डाल लेता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो ये नेशनल इलेक्शन कमीशन का जो ये पोर्टल है, इसमें आपने जितना भी डिटेल भरा है वो सारा डिटेल आपको एक बार मैच कर लेना है, मिला लेना है। अगर इसमें कोई भी डिटेल है तो आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ दो ऑप्शन दिखते हैं, कीप एडिटिंग और सबमिट। अगर कोई भी गड़बड़ है तो यहाँ से कीप एडिटिंग में क्लिक करके आप इस फॉर्म को आप सुधार सकते हैं, या फिर अगर सारा डिटेल सही तो सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रिफ्रेश नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ओके करने के लिए कहा जाएगा, यस करेंगे तो आपको एक रिफ्रेश नंबर मिल जाएगा जिससे आप आपके पास उस रिफ्रेश नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ये एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया है, आपको यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे भी क्लिक करते हैं तो आपका जो है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है नीचे पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर से। जैसे यहाँ हमारा एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। इसको खोल के मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तो हमारा ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट डाउन मिल चुका है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज़ मैं और दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ जो ये रेफरेंस नंबर दिए गए, इस रेफरेंस नंबर को आपको क्या करना है, कॉपी करके रख लेना है जिससे आपको इसी रेफरेंस नंबर से जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसी यह रेफरेंस नंबर जो है आपके रजिस्टर मोबाइल पर जो है भेज दिया जाता है। जैसे इस रेफरेंस नंबर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर से आपको यहाँ से हम ओके करते हैं। जैसे इस पर ओके करते हैं तो यहाँ पर आते हैं, एक ऑप्शन दिखेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस नंबर में उसी रेफरेंस नंबर को डालकर यहाँ सबमिट करते हैं तो आपका स्टेटस यहाँ पे बता देगा कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक गया है। यहाँ पे आपका नाम शो करता है और यहाँ सबमिशन का डेट दिख जाएगा और यहाँ पे करेंट स्टेटस में सबमिटेड दिखता है। और यहाँ सा थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे सबमिटेड, ये चारों स्टेप में, ये पांच स्टेप में ये फॉर्म क्लियर होगा। जब यहाँ पे ई पी का वेरीफाई हो जाएगा, ई पी जनरेटेड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ई पी का नंबर भी शो कर जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपना नया वोटर आई डी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।